राजस्थान के बारा छिपाब दौत उपखंड एवं तहसील क्षेत्र समेत अन्य कई इलाकों में इन दिनों लगातार हो रही तेज एवं मूसलाधार बारिश के चलते नदी नालों में आई उफान के चलते किसानों की किस्मत पर पानी फिर गया, जिसके कारण खेत जलमग्न हो गए हैं। ग्राम पंचायत गगचौना के पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि पप्पू धाकड़ पूर्व डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण खेत जलमग्न हो गए हैं और कच्चे एवं पक्के मकान धराशायी हो गए हैं और खेतों में पानी भरने की वजह से फसलें सभी नष्ट हो गई हैं और अतिवृष्टि के कारण कई मकान गिर गए हैं, जिनके कारण क्षेत्र में कई परिवार बेघर हो गए हैं। साथ ही मकानों के गिरने के साथ साथ खाने पीने पहनने ओढ़ने बिछाने समेत अन्य कई सामान बह गए हैं तथा इस प्राकृतिक आपदा के कारण गरीब परिवार बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। कुछ बची खुची फसलें आड़ी पड़ गई हैं। किसानों द्वारा खेत बुआई के समय 10 से 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल में सोयाबीन का बीज लेकर बुआई की। इसके बाद कुछ किसानों के तो बीज खराब आने से खेतों में बीज की अंकुरित नहीं हुआ था। उसके बाद किसानों ने दोबारा बीज लाकर बुआई की और जो बीज अंकुरित हुआ था उसे प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसे में गरीब किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ी है, जिसको लेकर पप्पू धाकड़ पूर्व डायरेक्टर ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि अतिवृष्टि से क्षेत्र में हुए किसानों के खेतों में फसलों एवं कच्चे पक्के मकान गिरने के नुकसान का उचित सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाए। साथ ही जिन परिवारों के कच्चे पक्के मकान अतिवृष्टि के कारण गिर गए उन पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जोड़कर पीड़ित परिवारों को आवास का लाभ देकर सहायता दी जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।